पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में हुई हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने आपात बैठक बुलाई है। इसके अलावा भाटपाड़ा में हिंसा के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही ममता बनर्जी ने भाटपाड़ा के कमिश्नर का तबादला कर दिया है और हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा है। उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आज एक बार फिर से हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों में बम भी चले और गोलीबारी भी हुई। हिंसक झड़प में दो लोगों की मौत की खबर है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारी संवाददाता आशिका सिंह की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आशिका, बैठक के बारे में और क्या डिटेल में पता चल पा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस आपात बैठक के बाद बंगाल में हिंसा का दौर थमेगा? जी देखिए, इस तरह से आपात बैठकों का दौर पहले भी देखा जा चुका है। अभी फिलहाल जो है भाटपाड़ा की हिंसा की घटना को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह सचिव जो है उनसे भी बात की है, डीजी वीरेंद्र से बात की है, उनको भाटपाड़ा के लिए रवाना कर दिया है। साथ ही उन्होंने और भी प्रशासनिक अधिकारियों को बुला करके ये बैठक जो है वो ये कर रही है। मंथन हो रहा है राज्य में कानून व्यवस्था जो लगातार खराब हो रही है। हिंसा का दौर जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव के पहले से शुरू हुआ है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो है चिंता है और इसी पे बैठक भी है। शुक्रिया आशिका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 30 पिस्तौल के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हथियारों की एक खेप मध्य प्रदेश के खरगोन से लाई जा रही थी। इन हथियारों की सप्लाई दिल्ली एनसीआर के बदमाशों को की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम पवन सिंह और चंद्र सिंह बताए जा रहे हैं।